नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और इस पेशकश में हम बात करेंगे उन छोटे मझोले शेयरों की जो 2023 के तो बहुत सुपरस्टार शेयर थे, लेकिन अब 24 में चले, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी बढ़त खो दी। अब ये बढ़त खोने के बाद अगले वित्त वर्ष में क्या आकर्षक हैं या यहाँ पर इनमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। काफ़ी पॉपुलर शेयर हैं, ज़्यादातर सभी के पोर्टफोलियोज़ में हैं, इसीलिए इन पर बात करना थोड़ा ज़रूरी हो गया था। और उसी बात को बढ़ाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं sharadmishra.com के प्रमोटर मिस्टर शरद मिश्रा। शरद सर, हाय, गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रीशियस टाइम सर। Thank you, Vijay. Thanks for having me on the show. It is, I think that it is our first interaction on this about this, or it will be very fruitful for clients also. So let us start this. Yes, sir. Thank you very much for your precious time, sir. And it's always pleasure to talk to you always, sir. और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे और ज़्यादा टाइम हमें मिलता रहेगा और हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन मिलेगा। शुरुआत करते हैं उन सभी शेयर्स की जिन पे की बहुत अच्छे हमें बढ़त देखने के लिए मिली, लेकिन उसके बाद 52 वीक हाई लगे और वहाँ से गिरावट भी देखने के लिए मिली। शुरुआत करते हैं, पहला शेयर है पटेल इंजीनियरिंग, और इस पूरी लिस्ट को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से शेयर्स हैं जिनमें कि हमने देखा कि शानदार रिटर्न मिला। पटेल इंजीनियरिंग, आई रिमेंबर ये 13-14 रुपए तक आ गया था, फिर वहां से 79 रुपीस का हाई लगाया और अभी 56 रुपए आ गया है। अगर हम 52 वीक हाई से देखें तो ये काउंटर अभी भी 29% डाउन है। हो सकता है बहुत सारे जो निवेशक हैं वो 52 वीक हाई से और करंट मार्केट प्राइस के बीच में कहीं ना कहीं फंस गए हों, जिसमें उनको नेगेटिव रिटर्न आ रहा हो, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी अच्छी खरीद है लेकिन अब थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में आ रहे होंगे, क्योंकि ऊपर देखकर नीचे बेचना थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट देता है। तो इसलिए ये शो हमने इसी सोच को रखकर खास बात करने के लिए हमने शरद सर को बुलाया और डिज़ाइन किया है। साथ ही अगर देखें तो बजाज हिंदुस्तान, यहाँ पर भी हमने देखा 28% की गिरावट। सुजलॉन में 19% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। IFCI 46% गिर चुका है अपने हाई से। साउथ इंडियन बैंक, यहाँ पर राइट इश्यू की खबर थी जिसकी वजह से इसमें हमने देखा कि कुछ गिरावट आती दिखाई दी, 20%। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 15, IOB 30%। इसी तरह से लिस्ट लंबी होते होते यहाँ पर अगर हम HCC पर देखें तो 33% का डाउन है। तो NHPC, SJVN, ये सारे ही शेयर हैं यहां पर कि अपने 52 वीक हाई से जोरदार गिरावट देखने के लिए मिली है। शरद सर, पहले शेयर पर बात करूंगा मैं, पटेल इंजीनियरिंग। सर, आपकी राय इस पर क्या होगी और क्या कुछ सोच है इसके पीछे? देखिए, अगर आप देखेंगे स्टॉक को तो बहुत अच्छा एक मूव रहा है। अभी भी अगर आप लंबे चार्ट पे देखें, जी मैं टेक्निकल भी यहां पर दूंगा आपको, अगर आप लंबे चार्ट पे देखें तो इसका बेस करीब 50 रुपए के आसपास बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था करीब 70 रुपए की जोन में फरवरी मंथ में, तो वहां पर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। लास्ट वीक में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर डिसीजन रहा है, शॉर्ट्स उतने कन्विंसिंग नहीं रहे हैं। मुझे लगता है इसको होल्ड करना चाहिए विवेक जी, क्योंकि जो 50 रुपए का जोन है जहां से इसने अपना मूव शुरू किया था करीब नवंबर में, आई थिंक वो एक क्रूशियल सपोर्ट है। तो इस वक्त अगर आपके पास पोजीशन है तो उसको एग्जिट करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि निफ्टी में भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उतने बड़े शॉर्ट्स नहीं है जैसे कि वो एक कन्विंसिंग एक करेक्शन है। इसलिए 50 रुपए मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस के आसपास रख करके पटेल इंजीनियरिंग को होल्ड करना चाहिए। कन्विंसिंग मूव कब आएगा व्यू जी? जैसे ये 60 रुपए के जोन को तोड़ेगा, ये वो जोन है जिसमें अगर देखें तो पूरा दिसंबर जोन में इसने कंसोलिडेट किया था। इस जोन को जैसे ही तोड़ेगा दोबारा एक बार अपमूव शुरू होगा, तो मुझे लगता है 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए। बिल्कुल, और मार्च 2023 में इस शेयर का लो था 13.60 रुपए का, और वहां से इसने वन वे मूव दिखाया और इस काउंटर का जो हाई लगा फरवरी में वो 79 रुपीज का लगा, यानी कि 11 महीने की इस पूरी साइकिल में इसने 13 रुपए से लेकर 79 का लगभग 6 गुना ये शेयर हुआ। अब वहां से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, 50 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर इस काउंटर में बने रहना चाहिए। शरद सर से हमें राय मिल चुकी है। दूसरा शेयर लेते हैं, बजाज हिंदुस्तान। सर, ये काउंटर शुगर की एक रैली में चलना शुरू हुआ था, 40 रुपए तक गया, अभी ये 29 रुपए आ गया, 28% डाउन है, क्या करें इसमें? विवेक जी, अगर आप देखिए तो लगभग 15 रुपए के जोन में, मतलब 13 रुपए से 15 रुपए के जोन में पूरा स्टॉक ही ट्रेड किया था जुलाई 23 के आसपास। अगर आप देखें तो दिसंबर 22 से जुलाई में भी 6 महीने के काउंटर, उसके बाद एक कन्विंसिंग ब्रेकआउट आया था, अभी भी हायर हाइज बना रहा है स्टॉक, उतना वीकनेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार को अगर कोई बना हुआ है
मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है। इसलिए ऐसा इसलिए है कि 32 रुपए के पास एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स हैं, ये वीक अच्छा नहीं रहा है। अगर ये वीक 32 रुपए पर सस्टेन होता वीक जी, तो जरूर मैं इसको होल्ड करने की सलाह देता। बट मुझे लगता है कि अपना जो जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जोन था 25 रुपए तक, वहां तक फिसल सकता है। 25 रुपए के आसपास आए तो एक बार आप दोबारा खरीदने की कोशिश करें, देखें कंसोलिडेट करता है तो दोबारा खरीदें, बट अभी के लिए मैं इसमें एग्जिट की राय देता हूँ। बिल्कुल, तो फिलहाल इसमें एग्जिट की राय, लेकिन 25 रुपये के आसपास आए तो ख़रीदें। ये काउंटर की भी हिस्ट्री कुछ ऐसी ही है, मार्च 2023 में ये काउंटर 11.5 रुपये का था और वहाँ से 40 रुपये तक गया फरवरी में। यानी कि ज़्यादातर शेयर्स के जिनके भी 52 वीक हाई दिख रहे हैं हमें, फरवरी मंथ में दिख रहे हैं, और वहाँ से ये रिट्रेस हुआ है और करीब 30% अब ये काउंटर डाउन है। लेकिन इसमें अभी भी खरीदारी केवल निचले स्तरों पर करनी है, 25 रुपये के आसपास, अभी नहीं करनी। अभी अगर किसी पर के पास है तो एग्जिट कर सकता है, शरद सर का मानना है। सर, तीसरा शेयर सुजलॉन, ये बड़ा ही फैंसी काउंटर रहा है इस पिछले 2 साल में, ये भी 19% डाउन आ गया है। सर, अगर कोई निवेशक इसमें बीच में फंसा है हाई से लेके अभी तक के करंट मार्केट प्राइस में, या निचले स्तरों पर खरीदारी भी की है, तो जो आदमी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ते हुए देखता है वो भी इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता, क्या करें सर? विवेक जी, देखिए कई बार इस स्टॉक को अलग अलग जगह पर डिस्कशन हुआ है, और हर बार मैंने अपने क्लाइंट्स को भी यही सलाह दी है कि 45 रुपए के जोन, 40 से 45 रुपए के जोन में इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल गया था। तो इसके बाद से लगातार देखिए 50 रुपए के हाई के आसपास लगातार प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। सपोर्ट कहाँ पर है, बहुत ही मीगर सा सपोर्ट है, 33-32 रुपीज के आसपास। विवेक जी, मुझे लगता है इसको एग्जिट करना चाहिए, प्रॉफिट अच्छा बना है। देखिए आप देखिए तो पूरा कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट लगभग मई 2023 के आसपास हमें देखने को मिला था, और 11-12 रुपए का शेयर 50 रुपए तक, 5x तक का रिटर्न बना है इसके अंदर। मुझे लगता है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप कभी भी टॉप पर स्टॉक को एग्जिट नहीं कर सकते, इस तरह का एनालिसिस बहुत ही कम हो पाता है। इसमें क्या रहता है कि बहुत सारे इमोशनल बायसेस रहते हैं। मुझे लगता है 37 भी कोई खराब भाव नहीं है, आप इसको बिल्कुल यहाँ पर एग्जिट करें। दोबारा कब खरीदें मैं उसका भी भाव देना चाहता हूँ, 40 रुपए के ऊपर दोबारा चलना शुरू करें, एक बार दोबारा देखें, वहां पर आप इसको दोबारा बाय कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 50 रुपये तक ये काउंटर गया और वहाँ से इसने एक तेज रिट्रेसमेंट ली है, और ये चला शेयर है मार्च से, मार्च 2023 में ये करीब 7 रुपये का शेयर था, तो वहाँ से करीब 7 गुना हुआ और अब रिट्रेसमेंट भी काफ़ी तेज हुआ। तो यहाँ पर सर ने अपनी राय दे दी है, तो इस काउंटर पर भी आपको स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। नेक्स्ट काउंटर है सर IFCI, 71.80 रुपये का हाई, 38.80 रुपये का लो, अब 38.80 रुपये अब आ गया है। सर क्या करें आप? विवेक जी, खराब मैं कहूंगा वीक है काउंटर। अगर आप देखें तो पिछले 7-8 वीक में जबरदस्त शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, सारी मूविंग एवरेज को इसने कहीं ना कहीं ब्रीच किया है। डेली चार्ट पे देखिए और वीकली पर भी देखिए तो ब्रीच करने की तैयारी कर रहा है। कहां तक गिर सकता है, मुझे लगता है 30 रुपए के भाव तक ये जा सकता है। तो शॉर्ट्स बने हुए हैं, 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे 4 महीने से 4 वीक से लगातार ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इसको एग्जिट कर जाना चाहिए। मैं फिर एक बार ये जरूर कहूंगा कि स्टॉक में उस तरह की वीकनेस नहीं है, लेकिन एग्जिट इसलिए करना बनता है कि अगर थोड़ा भी करेक्शन निफ्टी में बनता है तो ये वो सारे स्टॉक्स होंगे जहां और भी शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट बिल्डअप पॉसिबल है। 30 रुपए तक जा सकता है, 38 रुपए का भाव है, तो मुझे लगता है यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। कब खरीदें? देखिए जैसे ही ये स्टॉक 43 रुपए के ऊपर चलना शुरू करे, पिछले लास्ट 3 वीक का जो ऊपर का जोन है उसके ऊपर चलना शुरू करे, दोबारा एक बार खरीदना कंसिडर करें, बट अभी एग्जिट करें। सर अगर ये नीचे आता है तो कहां तक नीचे आ जाएगा जहां पर कि आप कंफर्टेबल हो जाएंगे कि खरीद लें? 30 रुपए का भाव एक जी मुझे लगता है, मैंने फिर बता रहा हूँ, 30 रुपए का भाव मुझे लगता है जो बिल्कुल 30 रुपए तक आ सकता है। 30 रुपए का वो जोन रहा है, देखिए अगर आप देखेंगे तो December 23 के आसपास ये वो जोन रहा है जिसका ब्रेकआउट इसने दिया था, 3-4 वीक में ही स्टॉक ये 30 रुपए के भाव से 70 रुपए के भाव तक गया था, वही जोन है 30 रुपए का, उसको पकड़ कर चले, उसके आसपास कंसोलिडेट करें नीचे तो बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं, या 43 रुपए के ऊपर एंट्री करें। बिल्कुल, तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि 30 रुपये और 43 रुपये ये दो इम्पॉर्टेंट जोन हैं जहाँ पर कि आप खरीदारी का मन बना सकते हैं। फिलहाल तो एग्जिट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बीच की रेंज होगी ये थोड़ी फंसाने वाली होगी इस काउंटर पर। नेक्स्ट काउंटर सर साउथ इंडियन बैंक, ये भी ज़बरदस्त शेयर रहा 2023-24 के अगर फाइनेंशियल ईयर का देखें, और अगले वित्त वर्ष के लिए अब इस पर क्या स्ट्रैटेजी बनाए सर? रिजल्ट्स अच्छे दे रहा है, राइट इशू भी लेकर आया, अभी राइट इशू के बाद जनरली जो डाइल्यूशन होता है उसकी वजह से काउंटर पिटा भी, अब क्या करें सर?
देखिए विवेक जी, यहाँ पर भी मैं अभी के लिए सलाह ये दूंगा कि एग्जिट करें। खरीदे कहाँ पर, खरीदने का भाव क्या है? खरीदने का भाव है या तो 24 रुपए, 24 रुपए तक करेक्शन बिल्कुल दिख रहा है, 24 रुपए के आसपास ये करेक्ट हो सकता है, वहां खरीदे, या एक बार मुझे लगता है 30 रुपए के ऊपर कंसोलिडेट करे तो खरीदे। तो देखिए अच्छा खासा 20% का नीचे का मूव है, 24 रुपए तक जाएगा भी, तो थोड़ा से एग्जिट करने की यहाँ पर सलाह रहेगी, 24 या 30 के ऊपर आप बाय करें। बिल्कुल, तो यहाँ पर सर ने बता दिया 24 रुपये तक भी जा सकता है ये काउंटर, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा अगर आपकी पोजीशन है तो आपको हाई अलर्ट मोड पर रहना पड़ेगा, और सर ने अपनी राय भी दे दी है स्पष्ट तौर पर। तो अगर आप मानना चाहते हैं तो इस राय के अनुसार आप 24 रुपये के कम्फर्ट जोन को मान सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये काउंटर सर क्या ज़बरदस्त मूव दिया इस कंपनी ने, इस बैंक ने, रिजल्ट्स भी अच्छे थे, सब कुछ इसके साथ एनपीएस बहुत अच्छे इसके रिकवर हो रहे थे, और इवन जबकि पीएसयू में कोई रैली नहीं आई थी, ये एक ऐसा शेयर था जो कि सारे पीएसयू में सबसे बेहतरीन इसके फंडामेंटल चल रहे थे एक समय पर, उसके बाद जब इसने रैली दिया तो बड़ी ज़बरदस्त रैली दी है। अब देखिए सर, 69.45 से नीचे आ गया ये, अब क्या करें? देखिए विवेक जी, ये कुछ है काउंटर्स हैं जहां पर स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो देखिए पीएसयू बैंक से देखिए, एक हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को, लॉन्ग एनवायरमेंट देखने को, शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला था। बट अगर आप देखें तो अभी भी बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ है। ये कंसिस्टेंटली अपने क्लाइंट्स को शेयर कर रहे हैं, 4500 के आसपास का सपोर्ट था, मुझे लगता है दोबारा ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ। अगर सिलेक्टिव काउंटर्स अगर आप देखें पीएसयू बैंक्स में, तो वहां पर भी ये लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है, उसमें से एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बिल्कुल बने रहे साथ, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। 58 रुपए का भाव है, सपोर्ट कहाँ पर है? सपोर्ट देखिए अगर आप देखें 52 के आसपास है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स का अच्छे वॉल्यूम के साथ लॉन्ग बिल्डअप वहां पर हुआ है, तो 52 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। मैं आपको, मुझे लगता है वीर जी करीब 75 रुपए का टारगेट मुझे बहुत साफ इसके अंदर दिखता है। जहां तक वीर जी याद पड़ता है, शायद हम लोगों ने कभी और शेयर किया होगा, 32 रुपए से हम लोग ये स्टॉक लगातार रिकमेंड कर रहे बिल्कुल हैं, और इसने अपना हाई करीब बनाया है वीर जी 68 रुपीज का। मुझे लगता है 75 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है इसके अंदर। बिल्कुल, दूसरे प्लेटफॉर्म पर सर हमारी बात हुई है इस काउंटर पर, और मुझे बिल्कुल याद है कि आप 32 रुपये से इस काउंटर को रिकमेंड कर रहे थे। जो भी दर्शक शरद सर को सुन रहे हैं, मैं शरद सर के बारे में बता दूं, स्मॉल कैप में तो सर का बहुत अच्छा जो एक अनुभव है वो तो है ही, साथ ही सर का एफएनडो में भी बहुत अच्छा पकड़ है। एफएनडो पर भी सर को एक दिन हम कैश करेंगे और सर से बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन सर ने 32 रुपये पर बताया था। और देखिए इसका जो मार्च 2023 का जो लो था, और ये उस समय लो पर ही आया था एक बार रिट्रेस होकर, ये 22 रुपये 80 पैसे करीब आया था मार्च 2023 में, और वहाँ से वन वे मूव, और ये काउंटर गया 69 तक, तो करीब करीब 3.5 गुना ये काउंटर गया, और विद फंडामेंटल, और अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट इस काउंटर पर देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट सर, इसी कैटेगरी का दूसरा शेयर इंडियन ओवरसीज बैंक, इस पर आपकी राय सर? ये काउंटर भी बड़ा ज़बरदस्त चला, 83 तक पहुंच गए, तो अभी रिट्रेस हो गया काफ़ी तेज। विवेक जी, अगर आप देखेंगे तो फरवरी के बाद एक बड़ा इसके अंदर ब्रेकआउट आया, पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर में वीकली चार्ट में स्टॉक बना हुआ है। मुझे नहीं लगता अभी इतनी वीकनेस है कि इसको एग्जिट किया जाए, किसी तरह का कोई घबराहट इसमें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बने रही है, क्योंकि एक वन साइडेड रैली आई है, होल्ड करना बनता है। मुझे लगता है इसका स्टॉप लॉस एक रिवाइज जरूर करना चाहिए, स्टॉप लॉस रखिए 54 रुपीज के पास, 54 रुपीज इस पे स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। मुझे लगता है एक बड़ा मूव इसके अंदर तब आएगा जब आप 62 रुपीज को क्रॉस करेंगे। अगर 62 क्रॉस करें आप इसको और ऐड कर सकते हैं, दोबारा 80 रुपए का, 80 रुपए 82 रुपए इसका हाई है, दोबारा वहां तक जाने की कोशिश करेगा। और मैं पीएसयू बैंक में विवेक जी बहुत बुलिश हूँ, स्पेसिफिकली देखेंगे आप तो छोटे ब्रांच पीएसयू बैंक में काफी बुलिश हूँ, और रेगुलरली हम लोग विवेक जी आपस में शेयर करते रहे। देखिए ये इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरह एक बड़े बड़ा आउट परफॉर्मेंस इनके अंदर आने की संभावना है। अगर कोई होल्ड कर सकता है, अगर कोई 6 साल भर तक होल्ड कर सकता है, तो बिल्कुल ये डबल डिजिट वाले स्टॉक है, ये 100 रुपए के ऊपर क्रॉस करने वाला स्टॉक है। मुझे लगता है कि इसके अंदर एक बड़ी रैली पॉसिबल है, लेकिन अभी रिसेंट टर्म में मुझे लगता है अपना जिसने हाई बनाया है वही 80-85 रुपए के आसपास दोबारा ये जाएगा, तो स्टॉप लॉस रखिए नीचे की तरफ 54 रुपीज के आसपास, कोई छोटा स्टॉप लॉस, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, और टारगेट के लिए बने रहे।
बिल्कुल, तो 54 का एक स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस है और 85 तक ये अराउंड जा सकता है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम मार्च 2023 में इस काउंटर का भाव देखें तो 20 रुपये 85 पैसे का भी लो लगा हुआ था, 22 रुपये 45 पैसे 31 मार्च को इसकी क्लोजिंग हुई है, और वहाँ से इस काउंटर ने एक शानदार मूव दिया। और अगर हम देखें तो वर्टिकल राइज और करीब 83.75, तो लगभग लगभग ये भी काउंटर 4 गुना हुआ। अब आपकी अगर जिसके भी पोर्टफोलियो में है तो रिटर्न थोड़ा कम कर दिया होगा इस काउंटर ने, लेकिन यहाँ से रिटर्न बढ़ा सकता है, शरद सर का ऐसा मानना है। सर, अभी तक जितने शेयर आपने बताए हैं, जितनी पर हमने चर्चा की है, इनफैक्ट इनमें से कोई शेयर आपको लगता है कि ये ठीक है, जो राइज हो गया हो गया, जो डाउन था वो हो गया, अगर मैं बिल्कुल फ्रेश माइंड से सोचूं कि एक खरीदना मुझे या दो खरीदने, तो कौन से दो होंगे अभी तक के, मैं पूछ रहा हूं सर, उसके बाद लिस्ट फिर दोबारा शुरू करूंगा। देखिए, मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र को जरूर रिकमेंड करूंगा, ये एक ऐसा शेयर है जिसको बिल्कुल खरीदना चाहिए। देखिए विवेक जी, कोई इसमें वीकनेस नहीं है, अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पे देखें तो लगातार 50-55 के पास जब कभी मौका मिला है, स्ट्रॉन्ग हैंड ने इसको बाय किया है और वो इसका जबरदस्त सपोर्ट है। मुझे लगता है इसके अंदर एक बड़ी रैली पॉसिबल है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक ऐसा स्टॉक रहेगा जिसको बिल्कुल खरीदना चाहिए। दूसरा इसी कैटेगरी से देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी को भी मैं दोबारा रिकमेंड दोबारा शेयर करूंगा, बिल्कुल स्टॉक को खरीदना चाहिए। ये देखिए, ये वो स्टॉक्स हैं जिसको मार्केट की नॉइस की वजह से एग्जिट नहीं करना चाहिए। मार्केट में नॉइस रहेगी, अगर आप पोजिशनली ट्रेड नहीं कर रहे हैं, 6 महीना साल भर की पोजिशन से नहीं ट्रेड कर रहे हैं, वीकली देख रहे हैं, नॉइस रहेगी। देखिए लंबे नजरिए से देखिए, 6 महीना साल भर की नजर से देखिए, इन सारे स्टॉक्स में वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है। PSU बैंक लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब एक से कम पे ट्रेड करते थे और एक बड़ी उसके अंदर वैल्यू अनलॉकिंग में देखने को मिली है। अगर आप देखें ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ी है, अगर आप देखें तो देखिए किस तरह से प्रोविजनिंग कम हुई है, मार्जिन में एक एक्सपेंशन देखने को मिला है, PSU बैंक ने बहुत अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिखाया, तो ये सारे फैक्टर्स को डिस्काउंट किया गया स्टॉक प्राइसेस में। और अब जो पहले रैली PNB बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI में हमें देखने को मिली, वो रेप्लिकेट होगी छोटे बैंक्स में, तो वही विवेक जी में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये रैली अभी भी छोटे मझोले बैंकों में जरूर देखने के लिए मिल सकती है, सर का ऐसा मानना है। तो अभी बैंकिंग की चर्चा को और आगे बढ़ा लेते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक सर, डबल डिजिट का शेयर, कोई इसको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा था मार्केट में, और अचानक से रेस्पेक्ट मिला तो इतना कि ये ट्रिपल डिजिट का हो गया। सर अब क्या करें इस काउंटर पर? विवेक जी, अभी तो ये 129-130 रुपए का भाव है, मुझे लगता है ये शेयर कम से कम 200 रुपए तक जाना चाहिए, इसमें पोजिशनली मुझे लगता है बने रहना चाहिए। ये सिलेक्टिव मैं इसका चार्टिकली एनालिसिस कर रहा हूँ, जिस तरह का इसके अंदर मूव आया है विवेक जी, ये जबरदस्त है और इसके अंदर कहीं भी शॉर्ट्स मुझे दिख नहीं रहे हैं। मजबूत सपोर्ट कहाँ पर है? मजबूत सपोर्ट है इसका 115 रुपए के जोन में, 130 रुपए का भाव है, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, बट आप पोजिशनल अगर मैं पोजिशनली देखूं, 6 महीने से साल भर का देखूं, तो मुझे 180-200 रुपए का भाव इसका विवेक जी खुलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल बने रहना चाहिए, कहीं गलती से आपको 115-120 के बीच में मिले, बिल्कुल खरीदिए इसको और ये आपको ऊपर की तरफ 180-200 तक के भाव दिखाएगा, बिल्कुल इसके अंदर बने रहिए। बिल्कुल, 2022 से 2023 में भी इसने अच्छा रिटर्न दिया। 2022 में अगर मैं इसका मार्च में देख रहा हूँ लेवल, तो 32 रुपये का था, और 2023 में जब मार्च में बंद हुआ तो करीब 49 रुपीज़ का था, 31 मार्च 2023 की जो क्लोजिंग हुई, और 49 रुपीज़ की क्लोजिंग से ये इस मार्च की क्लोजिंग तक अब ये यहाँ तक आ चुका है 152 तक, यानी कि 3 गुना हुआ ये इस फाइनेंशियल ईयर में। तो ये फाइनेंशियल ईयर जम्मू कश्मीर बैंक के लिए शानदार रहा। शरद सर, जम्मू कश्मीर से याद आता है, लोग जम्मू कश्मीर भी बहुत जा रहे हैं और वहां पर काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, ये सारा पैसा जम्मू कश्मीर बैंक में ही जा रहा है क्या? देखिए विवेक जी, यहाँ पर जैसे कहा जाता है, देखिए ये बैंक पहले, इस बैंक का कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज काफी रहे हैं, उतने अच्छे मार्जिन नहीं रहे हैं, ऑपरेशन एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं रही है। ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को देखा, जिस तरह की पॉलिसीज उनकी रही हैं पिछले कुछ एक सालों में, वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हमें देखने को मिला है फंक्शनिंग में जम्मू कश्मीर बैंक की, और जिस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसका सीधा फायदा जम्मू एंड कश्मीर बैंक को मिलेगा। और इसलिए देखिए, बाजार में ऑलरेडी उन सब चीजों को प्राइस में डिस्काउंट किया और एक बड़ी रैली हमें ऑलरेडी इसके अंदर देखने को मिल चुकी है, बट मुझे लगता है अभी काफी रैली इसके अंदर बाकी है। ये अगर आप 3-4 साल 5 साल के नजरिए से देखें, तो मुझे लगता है विवेक जी कम से कम ये 500 रुपए तक स्टॉक जाना चाहिए।
कभी हम लोग टच में रहेंगे 4-5 साल, तो आप देखेंगे, मुझे मेरी उम्मीद है वो 500 रुपए के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता होगा। क्योंकि कोई भी बैंक या कोई भी इस तरह की फाइनेंशियल एंटिटी जहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज इंप्रूव हो जाए, जहां पर मार्जिन इंप्रूव हो जाए, जहां पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए और जहां पर गवर्नमेंट का ध्यान हो। देखिए आप पीएसयू बैंक ही नहीं, पीएसयू सेक्टर में निफ्टी, अगर आप निफ्टी पीएसयू सेक्टर में देखिए कितनी बड़ी रैली हमें पिछले 1-1.5-2 साल में देखने को मिली है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो है इस तरह के बैंक्स के लिए, मुझे लगता है बिल्कुल इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद है और बिल्कुल बने रहना चाहिए। बिल्कुल, और इसका ऑल टाइम हाई 195.50 रुपये का है, और देखते हैं पहले तो उन लेवल्स की तरफ बढ़ता है, उसके बाद देखते हैं कि इस काउंटर पर आगे क्या होना है। नेक्स्ट है सर, जो बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। ये काउंटर एक शानदार देश के दिग्गज बैंकों में आता था और डबल डिजिट में आ गया था, 30 रुपये तक भी आ गया था ऑलमोस्ट सर, और वहाँ से इसमें शानदार तेजी आई है और अब ये लगभग 133 रुपये तक गया वहाँ से। हालांकि हल्का बहुत ही रिट्रेस हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर इस ये FNO में भी है शेयर, तो ये 8,000 का लॉट इसका साइज रहता है, इसलिए थोड़ा सा जी काउंटर इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के बीच में बड़ा फैंसी रहता है। क्या करें सर अब इसमें? विवेक जी, जहां तक याद पड़ता है हम लोग 35, 45, 55 रुपए से इसको ट्रैक कर रहे हैं, हम और आप शायद लगातार बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं। और ये स्टॉक के अंदर जिस तरह का स्टीम है, बुलिश स्टीम है, वो खत्म होने को तैयार नहीं है। मुझे याद पड़ता है शायद कभी हमारा आपका इंटरेक्शन हुआ था, उसमें 120 रुपए के भाव हम लोगों ने डिस्कस किया था, बिल्कुल तो वहां तक भी आकर के गया है और जोन जोन को ऊपर तोड़ने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे कोई वीकनेस विवेक जी दिखती नहीं है, और जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये इसको ऊपर की तरफ 160, 170 रुपए के भाव तक खींचने की पूरी ताकत रखता है। तो एक बहुत छोटा सा ट्रेड सेटअप बनता है यहाँ पर। स्टॉप लॉस रखिए सर आप अपना 113 रुपए के आसपास, 112, 113 रुपए, 123 रुपए का भाव है, पोजिशनली बने रहे। मुझे लगता है 6 से 9 महीने में आपको दोबारा ये आपको 160 से 170 रुपए के भाव पर आराम से देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा जैसा विवेक जी ने शेयर किया, चूंकि ये एपनो यूनिवर्स का स्टॉक है, नॉइज रहेगी, बड़ा लॉट साइज है, आप इसमें ऑप्शंस में भी बड़े ट्रेड्स होते हैं, फ्यूचर्स में भी बड़े ट्रेड्स होते हैं, तो वोलेटिलिटी रहेगी। ट्रेड इंट्राडे करने की कोशिश ना करें, कोशिश करें वीकली भी अवॉइड करें। अगर लंबा पोजीशन लॉन्ग टर्म बना करके चलेंगे तो 160 से 170 रुपए का भाव आपको 6 से 9 महीने में जरूर देखने को मिलेगा। 160, 170, ये बड़ा अच्छा लेवल सर ने यहाँ से भी अच्छा खासा अपसाइड बता दिया है, और सर हमेशा से इस काउंटर पर काफ़ी बुलिश रहे हैं, और ये जून 2022 से ये चलना शुरू हुआ था काउंटर, उस समय ये 28 रुपये का इसने लो लगाया और वहाँ से एक शानदार रैली इस काउंटर पर देखी है हमने 132 तक की, तो लगभग ये काउंटर वहाँ से 4 से 4.5 गुना हुआ है। और FNO काउंटर का इतना चलना एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, हालांकि गिरा भी बहुत तेज़ी से था, नीरव मोदी की जब घटनाक्रम हुआ था उसके बाद ये काउंटर बहुत तेज़ी से गिरा था 2018 के बाद, ये लगभग 4 साल इसने बहुत कष्ट झेला है, जिसका अब ये फल भी ले रहा है, उसका एक रिटर्न ये अपने निवेशकों को दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, RVNL रेलवे में एक अच्छी रैली देखने के लिए मिली रेलवे शेयर्स में, ये काउंटर भी पीछे नहीं रहा, अब क्या करें सर? 25% रिट्रेस हो चुका है ये काउंटर। देखिए विवेक जी, देखिए कंपनी का ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखिए, इंडियन रेलवे के ऑर्डर्स हैं, अगर आप देखेंगे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑर्डर्स हैं, और बहुत अच्छा ऑपरेशनल एफिशिएंसी डेवलप की है इस कंपनी ने, और इन सब चीजों को देखते हुए स्टॉक भी चला है। मुझे लगता है अभी भी स्टीम है इसके अंदर काफी। कुछ एक अगर मैं देखूं तो स्टॉक की बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे स्टॉक चार्ट के साथ रिजेंबल कर रहा है। सपोर्ट कहाँ बना है? 220 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना है, बिल्कुल बने रहे, घबराए नहीं। 260 का भाव है, मुझे लगता है थोड़ा इस जोन में कंसोलिडेट करेगा, दोबारा अपना इसने जो अभी लेटेस्ट में हाई बनाया था 340, 345, दोबारा वहां तक जाएगा, तो बने रहे, स्टॉप लॉस रखें 220 के पास और 330, 340 के टारगेट के लिए बने रहें। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है जो हम दर्शकों का आ रहा है काफ़ी हद तक, और हम इसको ले नहीं पाते कई सेगमेंट में। सर शेयर का नाम है इरिडा, ये काउंटर बहुत ही पॉपुलर हुआ है 2023-24 का, ये सितारा शेयर का कह सकते हैं, क्योंकि IPO आया और IPO के बाद इस काउंटर ने धूम मचा दी, 214 रुपये तक चला गया ये काउंटर सर, अब वहाँ से रिट्रेस हो रहा है, डरना चाहिए, इसमें निवेशित रहना चाहिए या इसमें बाय कर लेना चाहिए? देखिए जो बिल्कुल विवेक जी, अगर आप पिछले वीक का एक्शन देखेंगे, लास्ट वीक का एक्शन देखेंगे, तो एक अच्छा इसके अंदर इनसाइड कैंडल बना है वीकली चार्ट पर,
और ओपन भी ओपन और क्लोज अंदर हुआ है। एक ये बेसिकली इनसाइड कैंडल या इसको बुलिश हारामी पैटर्न जापानीज कैंडलस्टिक में कहते हैं। और इसके बाद इस वीक में देखिए ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, छोड़ना नहीं चाहिए, मुझे लगता है एग्जिट करना चाहिए, बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस रखिए 122 रुपए के आसपास, जो लास्ट 3 वीक का लो है, और बने रहे। बड़ा मूव कब आएगा मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे ही 150 के ऊपर व्यक्ति चलना शुरू करेगा, दोबारा एक बार 180 190 रुपए की तरफ जाएगा। अगर किसी ने बड़ा सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बना लिया है, थोड़ा पोजीशन काट लीजिए, बुक्स में प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा पोजीशन बना काट लीजिए, कहीं और देखिए, बैंक्स में चले जाइए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चले जाइए, इंडियन ओवरसीज बैंक में चले जाइए, और भी बहुत सारे स्टॉक विवेक जी आपसे लगातार शेयर करते हैं। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, विवेक जी बहुत अच्छे स्टॉक्स निकालते हैं, प्लीज इनको फॉलो जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि स्टॉक में बने रहे, और 100 150 के ऊपर बड़ा मूव आएगा, लेकिन अभी शॉर्ट, अभी कुछ भी एग्जिट करने की जरूरत नहीं, 120 के ऊपर स्टॉप हो सकता है। बिल्कुल, तो एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, 120 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा कर रखे। 50 रुपये इस काउंटर का लो है, जो काउंटर 30 रुपये की रेंज में आपको आईपीओ में मिला था, और 50 रुपये से ये लिस्ट होकर और फिर शानदार इसमें रैली आती हुई दिखाई दी, तो यहाँ पर अभी बने रहें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर ये। SJVN सर, इस काउंटर में 170 रुपये का हाई, और अब वहाँ से लगभग लगभग हमने देखा 30% की गिरावट आ गई है, अब क्या करें सर? देखिए अगर आप देखेंगे तो मार्च में ही, अगर अगर आप मार्च के अंदर ही देखेंगे तो काफी जो है इसके अंदर बड़े इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी रही है स्टॉक के अंदर। और फिर वही है, देखिए देखिए ये इस तरह के चार्ट्स मुझे बहुत पसंद आते हैं विवेक जी। अगर आप देखिए 100 रुपए के पास बहुत अच्छा एक बार बुलिश बेस बना है स्टॉक के अंदर, स्टॉक गिरने को तैयार नहीं है, 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है साहब, बिल्कुल बने रहे, 121 रुपए का भाव है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप है, अगर थोड़ा सा स्टॉप लॉस और आप स्ट्रेच करना चाहें तो आप 115 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 115 का स्टॉप लॉस रखें, 121 का भाव है, चलना कब शुरू होगा ये भी रखें। जैसे ही 130 के ऊपर चलना शुरू करेगा बड़ा मूव आएगा, ये दोबारा अपने प्रीवियस हाई जो 170 रुपए का था वहां तक जाने की ताकत रखता है, बने रहे। बिल्कुल सर, शरद सर एक बड़ा मैं इम्पॉर्टेंट पैटर्न देख रहा था, आप तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी सालों से हैं। 8 जनवरी 2008 को एक बड़ा स्मॉल कैप शेयरों में मूव था, जहां पर कि सारे स्मॉल कैप शेयर ज़्यादातर अपने ऑल टाइम हाईस पर थे। एक ऐसा ही मूव 9 फरवरी 2024 को लगा, जिसमें ज़्यादातर शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर थे, और ये सारे शेयर जितने हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं ज़्यादातर के हाईस देख रहा हूँ सर 9 फरवरी को लगे हैं, ये डराने वाली बात तो नहीं है सर? नहीं, ऐसा नहीं है विवेक जी। देखिए आप ये समझिए, मैं लगातार इस बात को भी शेयर करता हूं, स्टॉक जो फंडामेंटली अच्छा होता है चलता वही है, और उसके अंदर भी लिक्विडिटी फ्लो होता है। लिक्विडिटी फ्लो देखिए डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लासेस में रहता है। अब तो हमारी मार्केट काफी कपल्ड है यूएसए एंड अक्रॉस द ग्लोब असेट क्लासेस से भी, तो आप देखिए लिक्विडिटी फ्लो रहेगा, स्टॉक्स में रहेगा, गोल्ड में रहेगा, करेंसी में रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लास, रियल एस्टेट में रहेगा, ठीक है, बॉन्ड यील्ड देखिए यूएस की किस तरह से बढ़ी है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए। देखिए इसीलिए कहते हैं मार्केट में नॉइज रहेगी, लेकिन जो फंडामेंटली अच्छे काउंटर्स है वहां बने रहे। कभी भी इस तरह का, जैसे आपने डेट्स बताई, इस तरह का कभी भी मूव आता है आपको नीचे की तरफ मौके मिलते हैं। देखिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ तो आपको लेवल खरीद सकते हैं, तो वहां पर लपक लीजिए, वहां पर खरीद लीजिए और खड़े रहिए। अगर आप खड़े रहेंगे और मार्केट नॉइस को बियर कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, तो आप जब 3 4 6 महीने बाद अपना स्टॉक देखेंगे तो बाजार डिस्काउंट करता है प्राइसेस को, फंडामेंटल्स को डिस्काउंट करते हैं स्टॉक के प्राइसेस। छोटे टर्म में मत देखिए, कम से कम अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में 6 महीने से 9 महीने का समय दीजिए, अच्छे स्टॉक में रहिए, आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। बिल्कुल सर, लास्ट में दो स्टॉक्स और बचे हैं, NHPC और HCC। तो NHPC पर आपकी राय सर, इस काउंटर पर भी काफी निवेशक फंस गए हैं। देखिए अगर आप मैं चार्ट देखूं स्टॉक का, तो साहब मुझे कोई दिक्कत नजर आती नहीं है इसके अंदर, राइट। यहाँ पर क्या है, अगेन अगर आप देखें तो बहुत अच्छा, जहां जब भी स्टॉक गिरा है लगभग 75 रुपए के जोन में, 73 से 77 के जोन में स्ट्रॉन्ग हैंड में लगता है स्टॉक को। पिछले 2 वीक में भी देखें तो स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है, तो मुझे लगता है वहीं पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर लें, लगभग 77 के सब स्टॉप लॉस प्लेस कर लें, बने रहे। बड़ा मूव कब आएगा, जैसे ये 90 रुपए के जोन को, 90 95 रुपए 1995 के जोन को तोड़ेगा विवेक जी, एक बड़ा मूव आएगा। एग्जिट करने वाला चार्ट बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता है 77 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। बिल्कुल,
तो यहाँ पर 77 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन लेकिन लीस्ट नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो खबर है वो राइट इशू की है, जिसकी वजह से काउंटर टूटा भी है, और इसका राइट इशू 26 मार्च यानी कि आज से ही शुरू हुआ है, और इसका जो राइट इशू का प्राइस है वो 21 रुपये पर शेयर का है, और ये राइट इशू बंद होगा 5 अप्रैल को। शरद सर, ये काउंटर भी बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक, और एक अच्छा रिटर्न जनरेटिव स्टॉक रहा है, अब क्या करें सर इस काउंटर पर? देखिए, अगर चार्टिकली देखें तो मुझे लगता है इसका एग्जिट बन गया था जैसे 36 रुपए के नीचे ट्रेड होना शुरू हुआ था, क्योंकि अगर आप 10 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज देखें पिछले 3 वीक में लगातार उसके नीचे क्लोज आया है, और क्रिटिकल मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोज देना शुरू किया है, वीक ऑन वीक वीकनेस है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर जिन्होंने रैली देखी है, देखिए ये स्टॉक जहां तक मुझे याद पड़ता है बहुत 20 रुपए 25 रुपए के जोन के पास ने कंसोलिडेट किया है काफी समय, इसके बाद इसने 20 से 30 रुपए के जोन में कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा मूव दिया है और उसको भी सस्टेन नहीं कर पाया है। तो अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करें विवेक जी, जितने हम लोग ने अभी तक स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, रिलेटिवली वीक है स्टॉक। तो अगर कहीं आप हैं तो जरूर इसमें एग्जिट करें, खरीदने की कोशिश मैं इसको नीचे नहीं करूंगा विवेक जी, ये जब तक 36 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा मैं इसको खरीदने की एडवाइस नहीं करूंगा। तो नीचे इसमें कोई खरीदने का लेवल नहीं है मेरे पास, मुझे लगता है 28 रुपए का भाव कम से कम इसके अंदर दिखाई दे रहा है, हो सकता है 24 रुपए तक भी चला जाए, खरीदूंगा तब जब 36 रुपए के ऊपर सस्टेन करे कम से कम। बिल्कुल, तो 28 और 24 ये दो लेवल्स हैं जहां पर कि ये हो सकता है सर को दिख रहा है, तो ये फियर है, ये सर ने खरीदारी के लेवल नहीं बताए हैं, लेकिन जो खरीदारी का लेवल है वो 36 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तब खरीदारी का लेवल है। शरद सर, बहुत सारे शेयर्स डिस्कस किए सर, कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे इन सभी शेयरों पर? जी विवेक जी, हो सकता है कि इसमें से काफी शेयर्स ऐसे हो जो हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में हो, जो हमने क्लाइंट्स को काफी लेवल्स पर रिकमेंड किए हो, या दोबारा भी हम उनको होल्ड या बाय के रिकमेंडेशन दे रहे हैं। बिल्कुल, तो शरद सर ने जो सारे शेयर्स बताए हैं उन पर मैं एक बार जल्दी से एक क्विक रिव्यू ले लेता हूँ। पटेली इंजीनियरिंग, यहाँ पर सर ने होल्ड की राय दी। बजाज हिंदुस्तान एग्जिट, सुजलॉन से एग्जिट की राय, IFCI से एग्जिट की राय, साथ ही साउथ इंडियन बैंक एग्जिट की राय। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप बाय भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं अगर किसी पर पुराने शेयर्स हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर भी बाय और होल्ड की सलाह, जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन दोनों पर भी बाय की सलाह, साथ ही RVNL बाय कर सकते हैं, इरिडा होल्ड करना है, SJVN होल्ड करना है, NHPC में आप होल्ड भी कर सकते हैं और फ्रेश बाय भी कर सकते हैं, और HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी से आप एग्जिट कर लें तो बेहतर रहेगा। शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू विवेक जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो, इट वाज अ ग्रेट इंटरेक्शन इंडीड, थैंक यू। थैंक यू सर, आवर प्लेजर सर। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं, आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ, नमस्कार।